नमस्कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है। इसका मॉडल नंबर सैमसंग A13 है, जो कि डेल कंडीशन में आया है। तो चलो हम एक बार इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम एक बार इसको चार्जिंग लगा के चेक करेंगे। तो साइट में देख सकते हैं जो हमारा पावर सप्लाई है, वहाँ पर जो चार्जिंग का एम्पीयर दिखाता है कितना लेता है कितना नहीं। तो एक बार हम इसको केबल लगा के चेक करते हैं। तो मैंने केबल इंसर्ट किया तो नॉर्मल देखो, यहाँ पर देखो 97 96 97 ऐसा कुछ ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो चार्जिंग तो कुछ नहीं ले रहा है, जैसे मैं चार्जिंग निकालता हूँ तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर जीरो हो गया। फिर से मैं यहाँ पर चार्जिंग लगाता हूँ तो 03, तो 03 के आगे डायरेक्ट 97 96 यहाँ पर थोड़ा सा कंज्यूम कर रहा है। तो चले तो इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। पहले हम इसको बैटरी चार्जिंग देखते हैं कितना है इसके अंदर बैटरी चार्जिंग वगैरह। यहाँ पर दिखाता हूँ तो मीटर में उसको वोल्टेज मोड में रखता हूँ। रखने के बाद यहाँ पर चेक करता हूँ मैं कि हमारे बैटरी में कितना वोल्टेज है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैटरी में 4 वोल्टेज है। करीब करीब 40 50 कम से कम उसके अंदर चार्जिंग होगी। तो चलो तो हम एक बार इसको डीसी मशीन में चेक करते हैं कि कितना एम्पीयर लेता है। एम्पीयर लेने के बाद पता चलेगा कि हमारा जो पावर है ट्रिगर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो एक बार इसको मैं केबल तो यहाँ पर मैं इसको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पर लगाता हूँ चलो ठीक है सीधा हो गया। तो मैं इसको पावर बटन जो है वहाँ पर निकाला साइड में लगाता हूँ। पावर बटन लगाया देखो, यहाँ पर मैं जैसे इसको मैं पावर ऑन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर भी कोई ट्रिगर नहीं लगा है। आप साइड में डीसी मशीन जो है यहाँ पर साइड में जो चार वोल्ट दिया है 4.2 वोल्टेज, और यहाँ पर देखो कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई भी कंज्यूम नहीं ले रहा है पावर बटन प्रेस करने के बाद। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है एक बार हम इसको देखते हैं। पहले हम इसको मल्टीमीटर में फुल टेस्टिंग करते हैं। फुल टेस्टिंग में हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर बैटरी के। यहाँ पर जो बैटरी है तो बैटरी के कनेक्टर पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर सही है या क्या सही है या और कोई प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर में हम डायोड मोड में सेलेक्ट करते हैं। चलो तो हम इसको मल्टीमीटर को यहाँ पर आपको साइट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लाल वाला प्रॉड है तो इसको हम ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड करने के बाद जो ये वाला हमारा काला वाला है हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो 492 वहाँ तक रीडिंग आ रही है। तो हम इसको लाल वाला के बैटरी के कनेक्टर पॉजिटिव और जो काला वाला है उसको हम ग्राउंड करके फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है। ठीक है तो बैटरी कनेक्टर में तो यहाँ पर तो सब सही दिखा रहा है। चलो हम एक बार इसका वीपेज पावर यहाँ पर एक बार चेक करेंगे कि वीपेज पावर में क्या रीडिंग है।
इसको हम बोर्ड को साइड में निकालते हैं। ठीक है, विपेज पावर यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, ऊपर के साइड। एक बार हम ये ऊपर का जो ये काला वाला जो है ना, ये हम यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद चेक करेंगे। शायद ये काला वाला बहुत नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है यहाँ से पत्र निकालना पड़ेगा फिर। ठीक है, हम इसको पत्र को काटते हैं और काटते हैं यहाँ, काट के यहाँ पर चेक करते हैं। तब तक हम पत्र को काटते हैं। चलो, तो हम एक साइड पत्र को यहाँ पर रिमूव किया है। तो यहाँ पर हमारी चारिंग आईसी लगी है, बीक्यू आईसी है चारिंग आईसी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो हम आगे देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैं रेड प्रोड यहाँ पर ग्राउंड रखता हूँ और कूल टेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, ये कौन सा है, ये देखो, ये हमारी विपेज पावर है। एक मिनट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी विपेज पावर है। जो विपेज पावर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रही है, इसकी वजह से भी मोबाइल चालू नहीं होता कि विपेज पावर। और जगह देखते हैं कहाँ पर है विपेज पावर, वहाँ पर चेक करते हैं। नेटवर्क सेक्शन में भी रहता है लेकिन पत्रा निकालना पड़ेगा इसलिए। हाँ, यहाँ पर एक आईसी है छोटी, यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड, दोनों तरफ ग्राउंड दिखा रहे हैं। यानी कि मतलब का मतलब ये है कि हमारी वीपेज लाइन शॉर्ट है। तो एक बार हम वीपेज लाइन को जो हम 4 वोल्टेज और उसको 3 या 4 एम्पीयर देंगे, जहाँ पर गर्म होगा वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट गर्म हो रहा है। तो चलो हम इसको एक बार वोल्टेज देख के चेक करेंगे। चलो, तो हम इसको डीसी मशीन में 4.2 वोल्टेज रखते हैं और 5 एम्पीयर रखते हैं, 3 एम्पीयर या 2 एम्पीयर कुछ तो रखते हैं। यहाँ पर हमको पता चलेगा कि कहाँ पर शॉर्टिंग है। तो हमने ये रेड वाला प्रॉब इसको वीपेज लाइन के जो सेक्शन में यहाँ पर चेक करते हैं, साइट में देख सकते हैं वहाँ पर। दो एम्पीयर तो ले रहा है। यहाँ पर देखते हैं गर्म क्या हो रहा है। चलो, नीचे के साइड दिख रहा है मुझे, यहाँ पर गर्म हो रहा है, वहाँ पर देखेंगे। मुझे लग रहा है नेटवर्क सेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर गर्म हो रहा है। ये दोनों पत्र के नीचे समझ में ना रहा है कि यहाँ पर का यहाँ पर गर्म हो रहा है, तो नज़दीक यहाँ पर कुछ गर्म हो रहा है। तो ज़्यादातर नेटवर्क सेक्शन में ये गर्म होता है। तो हम नेटवर्क पत्र पहला निकालेंगे, निकाल के हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो नेटवर्क का पत्र मैं निकालता हूँ। चलो, तो हम इसका नेटवर्क का पत्र निकाले। तो यहाँ पर थोड़ा रोजिन लगाते हैं, हुक लगाते हैं और चेक करते फिर से कि कहाँ पर गर्म हो रहा है।
हाँ चलो। तो यहाँ पर भी हमारा अभी पेश पावर आता है पूर जैसी के पास, तो यहाँ पर एक बार करंट देके चेक करते डायरेक्ट। एम्पेयर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर गर्म तो कुछ नहीं हो रहा है। नीचे ये भी पत्रा निकालना चाहिए शायद, ये दोनों के बीच में हो रहा है इसलिए लगा मुझे यहाँ पर हो रहा है, तो ये पत्रा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो ये पत्रा निकाल के भी एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रोजन लगाएंगे। ठीक है यहाँ पर रोजिंग लगा दिया, तो इसको हम ग्राउंड करते हैं ब्लैक वाले को। ठीक है और जो ये हमला रेड वाला है इसको हम वहाँ जो 4 इंच का जो पेज पावर है क्वाइल है वहाँ पर देंगे और देखते हैं कहाँ गर्म होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा महसूस कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पर शॉर्टिंग है इस जगह। यहाँ पर भी कोई यहाँ पर थोड़ा शॉर्टिंग दिख रहा है लेकिन वो नीचे के साइड दिख रहा है मुझे इस जगह। तो यहाँ का भी हमने पत्रा निकाला है, तो यहाँ पर हम एक बार इसको जो 4GPU पे वहाँ पर कैपेसिटर भी पेश का वहाँ पर हम चलो। तो यहाँ पर हम इसको फिर से फोर पॉइंट टू वोल्टेज देखे 3 एम्पीयर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा कैप शॉर्ट हो गया है, तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है, तो हम इसको रिमूव करके देखते हैं कि हमारा यूपीएस का जो लाइन शॉर्ट था वो शॉर्ट निकलता है या नहीं। तो हमने इसको रिमूव कर दिया, फिर हम वही क्वाइल जो पहले हमने चेक किए थे 4 इंच आईसी के यूपीएस जो वहाँ पर बनाता है ये आईसी और ये क्वाइल के थ्रू जाता है, तो यहाँ पर हम एक बार कूल टेस्टिंग फिर से करेंगे। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 323 यहाँ पर रीडिंग आ चुका है। तो चलो हम एक बार इसको मोबाइल को चार्जिंग लगा के और पावर बटन प्रेस करके देखते हैं चालू होता है या अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम है। सिमट्रे व आहे ना त्याच्यामध्येच,
यहाँ पर हम इसको पहले चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग लगा के चेक करेंगे कि चार्जिंग में कितना एम्पीयर लेता है। तो हमने यहाँ पर केबल लगा दिया तो 0.7 यहाँ पर देख सकते हैं एम्पीयर तो ले लिया, लेकिन डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले भी आ चुका है। तो ये हमारा डेढ़ सेक्शन का तो वीपीएस लाइन की जो लाइन शॉर्ट थी एक कैप की वजह से, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 80% चार्जिंग है। तो हम एक बार इसको चालू करने की कोशिश करेंगे, पावर बटन इसको लगाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं चालू हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल चालू हो चुका है।